बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल दिया जाए और साथ ही पठन पाठन में और बेहतर कार्य किए जाए, इन्हीं विषयों को लेकर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित स्क्रीनफील्ड कॉलेज में टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें शिक्षा सुधार पर चर्चा की गई और ये कहा है कि बच्चे और शिक्षक के बीच बेहतर तालमेल बने और एक अच्छा माहौल देने के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल भी दिया जाए। दिनांक 28/12/2019 को स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज हॉल में रत्ना सागर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए कुलप्रीत यादव का अभिनंदन विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली द्वारा फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता भेंट कर किया गया। कुलप्रीत यादव जो कि एक कुशल वक्ता और लेखक और जिन्होंने साहित्य पर अनेक लघु कथाएँ भी लिखी हैं, कुलप्रीत यादव द्वारा बच्चों और शिक्षकों के अंतर को किस तरह से दूर किया जाए उसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण देकर शिक्षकों को अवगत कराया। उन्होंने आगे बताया कि बच्चों को उनके व्यवहार को समझकर उनके अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए, जिससे बच्चे भी खुश रहें और आगे रुचि लेकर पढ़ाई करें। शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों के गुणों को पहचान कर उन बच्चों को उन्हीं एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाएँ, जिससे वो अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो सकें। बच्चों में बढ़ता हुआ क्रोध एक आम समस्या बनती जा रही है, जिसका सामना अभिभावकों और स्कूल को रोज़ करना पड़ता है। उनके एग्रेशन को कम करने के लिए क्रिएटिव राइटिंग पर जोर दिया। उन्होंने आगे अनेक उदाहरण देकर सभी टीचर्स को इस बात से भी अवगत कराया कि हमें बच्चों को स्मार्ट सोच के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। नई से नई तकनीकियों को समझें और उसी के आधार पर समय के अनुसार चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो सकें। इस वर्कशॉप में कुलप्रीत यादव और उनके सहयोगी क्षितिज कुमार द्वारा टीचर्स को छात्र छात्राओं की तरह मानकर अनेक एक्टिविटीज़ द्वारा उनको प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया। इस दौरान सभी टीचर्स द्वारा अति उत्साह के साथ सहयोग किया गया। इस वर्कशॉप में विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली व प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा तथा समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। अंत में विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये स्क्रीनफील्ड्स कॉलेज में आज एक वर्कशॉप है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर स्पेशलिस्ट इज गोइंग टू टेक दिस वर्कशॉप, मिस्टर कुलप्रीत यादव। और ये जो वर्कशॉप ले रहे हैं, इनका जो टॉपिक वुड बी, ही इज़ अ थिंकर ऑल्सो, ही इज़ अ क्रिएटिव राइटर, तो और आई थिंक हिज एक्सपीरियंस और जो उनका एक्सपोजर है इन डिफरेंट फील्ड्स, वो टीचर्स को एक नया एक फेस से दिखाएंगे अबाउट चिल्ड्रन। एंड दिस द टॉपिक विच ही वुड बी टेकिंग टुडे इज चाइल्ड एग्रेशन। और चाइल्ड एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर पेरेंट और हर टीचर फेस करता है। टीचर्स क्लास में ये चीज़ फेस करती हैं, हाउ टू टैकल विद इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये जानेंगे कि ये चाइल्ड एग्रेशन बच्चों में होता क्यों है, कि उसकी शुरुआत का रीज़न क्या होते हैं। और ये सब चीज़ें जब मिस्टर यादव बताएंगे टीचर्स को, तो मुझे लगता है कि आज टीचर्स कुछ अच्छा सीखेंगे और उनको पढ़ाने में, उनको बच्चों को टैकल करने में ये सब आज की वर्कशॉप के बाद काफ़ी हेल्प मिली। आपका उद्देश्य होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपनी जनरल लाइफ में इग्नोर कर देते हैं और हमें आता है सोच के उसके बारे में कुछ नया नहीं सीखते। तो ये वर्कशॉप्स के माध्यम से और दुनिया में क्या नया हो रहा है, कुछ नई रिसर्चेस होती हैं, कुछ नए व्यू पॉइंट्स होते हैं, कुछ नए तरीके होते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे नए माध्यम बताते हैं कि कैसे आजकल की जनरेशन को समझें और उनको अपने उनको मोल्ड करें एक अच्छी डायरेक्शन में। तो मुझे लगता है कि आज के वर्कशॉप के बाद टीचर्स काफ़ी कुछ सीखेंगे। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे टीचरों को और बच्चों को? बच्चों को तो मैसेज टीचर्स के थ्रू ही जाएगा। जब टीचर्स बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगी तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा पढ़ा भी सकेंगी, उनको समझेंगी तो उनको ज़्यादा अच्छा सिखा भी सकेंगी। तो दोनों के लिए ही ये एक बेनिफिशियल वर्कशॉप रहेगी और एक ये बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। धन्यवाद।